नमस्कार दोस्तों, आज हम लीकोसाइटोक्लास्टिक वास्कुलाइटिस के बारे में बताएंगे। लीकोसाइटोक्लास्टिक वास्कुलाइटिस को पाल्पेबल पर्पुरा भी बोलते हैं। जैसे आप फोटो में देख रहे हैं वैसा पहले शायद आपने कभी कहीं पे देखा होगा। कुछ कुछ लोगों के स्किन में सडनली बहुत सारा दाना दाना छोटा छोटा लाल कलर का रैसेस निकल जाता है। ज़्यादातर ये पैर में निकलता है और ये बीमारी के बारे में आज आप चर्चा करेंगे। ये बीमारी क्या होता है, क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताएंगे। लीकोसाइटोक्लास्टिक वास्कुलाइटिस, नहीं तो इसको क्यूटानियस स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस बोलते हैं। वास्कुलाइटिस मतलब होता है जो ब्लड वेसल होता है, खून का नसे होते हैं, उसका इन्फ्लामेशन। अगर हमारा जो स्किन का खून का नसे होते हैं वहां पे कोई इन्फ्लामेशन होता है, कोई इंजरी होता है या कोई इन्फेक्शन होता है तो इसको बोलते हैं वास्कुलाइटिस। वास्कुलाइटिस बहुत टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे हम सबसे छोटा वेसल यानी जिसको बोलते हैं आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स, इसमें जो इन्फ्लेमेशन होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। ये वास्कुलाइटिस नॉर्मली 15-16 साल के उम्र के बाद ही होता है, कभी कभार रेयरली छोटे बच्चे में हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इसका रीजन क्या होता है, यानी किस कारण से ये होता है। फर्स्ट हो सकता है इंजुरी टू ब्लड वेसल्स, यानी जो खून का नशे होते हैं वहाँ पे अगर कोई इंजुरी होता है, अटैक होता है, जैसे कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, कोई प्रोटोजुअल इन्फेक्शन हुआ, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो बैक्टीरिया में क्या आता है, एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, नहीं तो स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ये इन्फेक्शन के बाद ये प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं तो वायरस, वायरस से आपका हेपाटाइटिस वायरस आता है, हेपाटाइटिस ए बी सी, नहीं तो एचआईवी वायरस आता है, नहीं तो इन्फ्लुएंजा वायरस और हर्पिस वायरस के इन्फेक्शन के बाद भी ये कभी कभार देखा गया है। और एक होता है प्रोटोजुआ, यानी जैसे मलेरिया का फीवर होता है ना, वहाँ पे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स प्लाज्मोडियम जो स्पेसिस होता है, जो इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन से हो सकता है। नहीं तो हेलमिंथेस यानी जो कीड़ा होता है पेट में, सिस्टोसोमा ऑन्कोसर्सियासिस, ये सारा इन्फेक्शन के बाद भी आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है। और कोई इंटरनल बीमारी, अगर अंदर में कोई बीमारी हो, कोई ऑटोइम्यून बीमारी हो, इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि आपका एसएलई होता है, सिस्टेमिक लुपस एरिथेमाटोसस, डर्मेटोमायोसाइटिस होता है, जोग्रेन सिंड्रोम होता है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, बेसेट डिजीज, ये सारे बीमारी के बाद भी ये प्रॉब्लम मिलता है। और एक होता है मैलिग्नेंसी, यानी कोई कैंसर के बाद भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि आपका लंग्स का कैंसर हुआ, कोलन कैंसर हुआ, ब्लड कैंसर जिसमें हॉजकिन लिम्फोमा आता है, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, ऐसे कोई भी कैंसर के बाद भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और एक होता है हाइपर इम्यूनोग्लोबुलिनिक स्टेट, जिसमें क्रायोग्लोबुलिनीमिया आता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस आता है। और एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसके बाद में भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जिसका जिसके वजह से होता है, सबसे बड़ा कारण होता है मेडिसिन या ड्रग्स के बाद। कोई अगर कोई मेडिसिन लेता है तो उसका 7 से 10 दिन के बाद ये प्रॉब्लम अगर होता है तो सस्पेक्ट करिए कि ये दवाई के साइड इफेक्ट से हो रहा है। तो मेडिसिन में क्या क्या हो सकता है, ऐसे कोई भी दवाई से हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो होता है आपका इंसुलिन, कोई इंसुलिन लेता है उसके वजह से होता है, सल्फोनिल यूरियाज यानी डायबिटीज की दवाई से, नहीं तो डायबिटिक्स होता है जो ब्लड प्रेशर में यूज होता है उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाने के बाद भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, फेनिटाइन यानी जो एपिलेप्सी में यूज होता है उसका दवाई से भी हो सकता है, एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट जैसे पेनिसिलिन का एंटीबायोटिक उसके बाद भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, कोई केमिकल एक्सपोजर यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंसेक्टिसाइड के लगने के बाद भी हो सकता है, कोई वैक्सीन लेने के बाद भी हो सकता है, कोई विटामिन कोई अगर इंजेक्शन लेता है उसके बाद भी हो सकता है, और कोई फूड एलर्जी यानी कोई अगर कोई दूध खाता है, मिल्क प्रोटीन से हो सकता है, तो फूड एडिटिव्स यानी प्रिजर्वेटिव जो है, फूड कलर यूज होता है उसके बाद भी ये हो सकता है। यानी इसका मतलब यहाँ पे इसका हजारों कारण हो सकता है। तो एग्जैक्टली किसके वजह से होता है तो ये हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद ही थोड़ा बहुत पता चलता है, कभी कभार ये पता भी नहीं चलता है। आप जैसे देख सकते हैं कि ह्यूज लिस्ट यानी बहुत सारा कारण के वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इसका क्लिनिकल फीचर के बारे में, यानी लक्षण के बारे में, क्या होता है ये प्रॉब्लम। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं वैसा अगर किसी का स्किन में छोटा छोटा दाना दाना लाल कलर का रैशेस होता है, जो दबाने से व्हाइट नहीं होता है और लाल ही रहता है, तो इसको बोलते हैं पाल्पेबल पर्पुरा। ये नॉर्मली एसिम्टोमेटिक होता है, यानी पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होता है, देखने में थोड़ा डेंजरस लगता है और ज़्यादातर पैर में होता है, डिपेंडेंट पार्ट जहाँ पे खून जहाँ टाइम तक रहता है और वहाँ पे होता है, हाथ में कम रहता है लेकिन पैर में ज़्यादा रहता है, और जहाँ पे प्रेशर, कहीं पे अगर कोई बेल्ट पहना है, कहीं पे प्रेशर ज़्यादा लगा है तो उस जगह में ये ज़्यादा रहता है। कभी कभार खुजली हो सकता है, कभी कभार पेन भी हो सकता है, और ज़्यादा टाइम अगर बहुत दिन तक ये रहता है
तो ये छोटा छोटा जो पैप्यूल है ये ज्वाइंट होके बड़ा हो जाता है, उसको इकाइमोसिस होता है। बाद में यहाँ से नेक्रोसिस हो सकता है, यानी टिश्यू डैमेज होके वहाँ पे अल्सरेशन घाव हो सकता है, और घाव होने के बाद पेन होता ही है, तो पेन होगा और बुखार भी हो सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन होके सेलुलाइटिस भी हो सकता है, कभी कभार ज्वाइंट पेन होता है और लिम्फाडिनोपैथी, उस एरिया का जो ग्लैंड होता है वो फूल जाता है। ये बीमारी 2 से 3 हफ्ते में अपने आप ठीक हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों का ये रिकरेंट यानी बार बार हो जाता है, और कुछ कुछ केसेस में क्रॉनिक यानी बहुत दिन तक, ये बहुत सालों तक भी बार बार होता रहता है। तो चलिए जानते हैं इस बीमारी का कॉम्प्लिकेशन के बारे में, क्या कॉम्प्लिकेशन यानी क्या प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इस बीमारी में। इस बीमारी से आपका किडनी का डैमेज भी हो सकता है, और बार बार इन्फेक्शन की वजह से सेलुलाइटिस जैसे हमने बोला है, और लेग अल्सर भी हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन है। तो चलिए जानते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस ये क्लिनिकल है, यानी देखने से आपको भी पता चल जाएगा कि ये लिकोसाइटोक्लेस्टिक वास्कुलाइटिस है, लेकिन कभी कभार डाउट होता है तो उस केसेस में हम टेस्ट करते हैं, स्किन का बायोप्सी करते हैं, और स्किन बायोप्सी से ये कन्फर्म किया जा सकता है। स्किन बायोप्सी जो सबसे नया वाला, अगर 1 या 2 दिन के अंदर कोई छोटा वाला नया वाला रैश निकला है तो उसी को सिलेक्ट करके वहां से बायोप्सी किया जाता है, क्योंकि पुराना वाला जो अगर रेड स्पॉट लेते हैं या बम्प्स लेते हैं वहां से अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। और इसके बायोप्सी के साथ साथ एक DIF डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट भी किया जाता है, और वहाँ पे एंटीबॉडी है कि नहीं ये देखा जाता है। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि ये बहुत सारा कारणों से होता है, तो इसका रीजन यानी एग्जैक्ट कारण क्या है पता करने के लिए और भी बहुत सारा टेस्ट किया जाता है, जैसे कि आपका रिनल फंक्शन टेस्ट होता है, किडनी में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, आपका पूरा ब्लड का टेस्ट जैसे कि CBC किया जाता है, देखना पड़ता है कि कहीं आपका कोई ब्लड कैंसर है कि नहीं, और कोई इन्फेक्शन जानने के लिए जैसे कि ASO टाइटर होता है, एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडी टेस्ट होता है, HIV का टेस्ट भी किया जाता है, लिवर फंक्शन टेस्ट, यूरिन एनालिसिस, तो ओवरऑल ये सारे जो टेस्ट होता है लगभग यहाँ पे सब किया जाता है, जैसे कि लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, CBC, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, आपका चेस्ट एक्सरे, यूरिन एनालिसिस, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपका यहाँ पे किया जाता है देखने के लिए कि आपका दूसरा कोई बीमारी इंटरनल प्रॉब्लम है या नहीं। तो चलिए जानते हैं लास्ट में इसका ट्रीटमेंट के बारे में, कैसे होता है इसका ट्रीटमेंट। फर्स्ट होता है जनरल मेजर्स, यानी हमने जैसे बोला है कि पैर में ही ज़्यादातर होता है, क्योंकि पैर में ब्लड जम जाता है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम वहाँ पे ज़्यादा होता है, इसीलिए पेशेंट को बोलना है कि जब आप सोते हैं पैर के नीचे थोड़ा तकिया देके सोइए, जब बैठते हैं पैर को ज़्यादा झुला के मत बैठिए, थोड़ा कंप्रेशन इलास्टिक बैंडेज बांधना है ताकि ब्लड नीचे ज़्यादा ना जमे। अगर थोड़ा बहुत खुजली होता है तो इमोलिएंट यानी मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड लोशन भी लगाने के लिए, स्टेरॉइड का लोशन भी लगाने के लिए दिया जाता है। अगर थोड़ा बहुत बुखार है तो पैरासिटामोल या एनाल्जेसिक का दवाई दिया जाता है। अगर इन्फेक्शन पाया जाता है तो एंटीबायोटिक खाने के लिए भी एक कोर्स दिया जा सकता है। जैसे कि हमने पहले भी बोला है, ये वास्कुलाइटिस है, इन्फ्लामेशन है, ये एक ऑटोइम्यून प्रोसेस है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इसीलिए यहाँ पे इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन यूज होता है। सबसे जो कॉमनली यूज होता है वो होता है स्टीरॉयड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज होता है 0.5 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से, 3 से 6 हफ्ते तक इसको दिया जाता है, धीरे धीरे बंद किया जाता है। अगर कोई लोग स्टीरॉयड नहीं लेना चाहते हैं तो कॉल्सिसिन नामक एक दवाई आता है जो 0.5 मिलीग्राम दिन में 2 बार दिया जाता है, नहीं तो डाप्सन 50 से 100 मिलीग्राम डेली दिया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, मिनोसाइक्लिन, मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, माइक्रोफेनोल, मेफेटिल, ये भी सारे दवाई इफेक्टिव है, इसको भी देके बहुत सारे केसेस में इलाज किया गया है और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। इसके साथ साथ बायोलॉजिकल भी इसमें यूज किया जा सकता है, जिसमें रिटोक्सिमाब आता है लेकिन बहुत महंगा होता है, और लास्ट में IV इम्यूनोग्लोबुलिन भी यूज किया जा सकता है, बहुत सीवियर केसेस में इसको यूज किया जा सकता है। तो ये था डिटेल्स में लिकोसाइटोक्लेस्टिक वास्कुलाइटिस या क्यूटेनियस स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस के बारे में। उम्मीद है आपको आज एक नया टॉपिक के बारे में सीखने को मिला है और आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है। अगर आपको ऐसा टॉपिक अच्छा लगता है, ऐसा वीडियो अच्छा लगता है, तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको दूसरे साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई नया टॉपिक के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे बिल्कुल कमेंट करिए, हम इसका वीडियो आपको बना के देंगे। तो अभी विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।